आज पूरा देश दौड़ेगा। मुख्य समारोह दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पर होगा। इस समारोह में करीब 15,000 लोग हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी रन फॉर यूनिटी का जिक्र किया था और देशवासियों से इस फेस्टिवल ऑफ हार्मनी में शामिल होने को कहा था। और मैं चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सदा सर्वदा हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है, और यही कारण है कि उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश को एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप देने में उनका योगदान अतुलनीय है। हालांकि रन फॉर यूनिटी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐतराज जताया है। ममता सरकार ने कॉलेजों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कहा है कि वो इसे लेकर दिए गए केंद्र सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज कर दें। सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली में जीएसटी के चीफ कमिश्नर एक समारोह आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में विराट कोहली, सुरेश रैना और ऋषि कपूर के पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी की वजह से इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। फिरोजशाह रोड, जनपथ रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, सिकंदर रोड और मथुरा रोड जैसे रूट प्रभावित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5,000 से ज्यादा ट्रैफिक और दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक रूट मैप भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट आज 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने के मामले के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर फाइनल सुनवाई करेगा। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को इसी साल 25 अप्रैल को जमानत दी थी। इस मामले में आधे से ज्यादा आरोपी जेल से बाहर हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के बाजार में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। ये ब्लास्ट शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल में हुआ था। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी मछुआरे और एक बोट को पकड़ा है। बीएसएफ ने हरामी नाला क्रीक एरिया में इस मछुआरे और बोट को पकड़ा। पकड़ी गई बोट से मछली पकड़ने का सामान और कुछ अन्य सामान मिला है। सुरक्षा एजेंसी और बीएसएफ ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस बोट को कौन लेकर आया। यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाए जाने की योगी सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। देवबंदी उलेमाओं ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाए जाने के फैसले से असहमति जताई है। उलेमाओं ने कहा है कि प्रदेश की योगी सरकार जबरदस्ती मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इस्लाम के कई जानकार यूपी सरकार के इस कदम को बेहतर बता रहे हैं, बशर्ते सिलेबस से छेड़छाड़ ना की जाए। मदरसे के कोर्स को, मदरसे के सिलेबस को डिस्टर्ब किए बगैर अगर एनसीईआरटी वहाँ पर उसको अनिवार्य किया जाता है, जरूरी समझा जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसलिए तालीम कहीं के ऊपर भी हो तो अच्छी तालीम का बेहतर से बेहतर इंतजाम होना चाहिए। यूपी सरकार ने मदरसों और इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों में हाई स्कूल और उससे ऊपर की कक्षा में आधुनिक शिक्षा देने का फैसला लिया है। राज्य के मदरसों में गणित और विज्ञान की पढ़ाई एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से होगी। हालांकि पहले से चल रही किताबें पहले की तरह चलती रहेंगी। नए सिलेबस को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। इससे पहले यूपी सरकार ने फर्जीवाड़े और अनियमितता रोकने के लिए मदरसों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला किया था। जिन मदरसों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें राज्य सरकार से मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। पुस्तकें पहले से चल रही हैं, उनको पढ़ाने के लिए अगले पैटर्न से, अगले जो हमारा शैक्षिक सत्र होगा उससे उसमें पढ़ाने की व्यवस्था होगी। और इसके लिए आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए अगर शिक्षकों की जरूरत होगी तो उसको भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण मामले पर कांग्रेस और हार्दिक पटेल की पार्टी के बीच फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति ने कांग्रेस को रुख साफ करने के लिए 6 से 7 नवंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले कांग्रेस को पाटीदार आरक्षण पर रुख साफ करने के लिए 3 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। पाटीदारों के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक में 5 में से 4 मुद्दों पर कांग्रेस से सहमति बन चुकी है। 4 मुद्दों पर कांग्रेस ने बातचीत अच्छी तरह से रखी है। एक मुद्दा जो बाकी वो 2-4 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमें पूरा सेटिस्फाई हुआ इस मुद्दे पर, जरूर अच्छे से बात हो जाएगी 2-4 दिनों में। कांग्रेस ने भी उम्मीद जताई है कि कानूनी सलाह के बाद अगली बैठक में इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इस बीच गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने हार्दिक पटेल और कांग्रेस पर फिर निशाना साधा है।
हार्दिक की जो आंदोलन की डिमांड थी कि पाटीदार को ओबीसी में घोषित करना चाहिए, वो कांग्रेस तो पहले से नहीं कर रही है। अमृतसर में हिंदू संघर्ष सेना के नेता की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विपिन कुमार हिंदू संघर्ष सेना के जिला अध्यक्ष थे। हत्या की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग विपिन कुमार को गोलियां मारते हुए साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक अमृतसर के बटाला रोड में कुछ अज्ञात लोगों ने विपिन कुमार को 7-8 गोलियां मारी। विपिन को गोली मारते वक्त एक व्यक्ति के मुंह से कपड़ा भी उतर गया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने अमृतसर में चौकसी बढ़ा दी है। खबर ये भी है कि विपिन कुमार को पहले से धमकियां मिल रही थी। हमने कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अलग अलग टीम बना रखी है और रेड वगैरह कर रही है। कुछ स्केच वगैरह जारी हुए? नहीं, अभी स्केच जारी नहीं हुए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो पिक्चर सीसीटीवी फुटेज आई है। आज चेन्नई में सभी स्कूल बंद रहेंगे। चेन्नई के कलेक्टर ने लगातार हो रही बारिश से शहर में बिगड़े हालात को देखते हुए ये फैसला किया। मौसम विभाग ने चेन्नई और 8 तटवर्ती जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले चेन्नई में रविवार रात शुरू हुई बारिश सोमवार दोपहर तक जारी रही। सोमवार को 8 मिलीमीटर हुई बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने हालात को और मुश्किल बना दिया। जगह जगह पानी भर गया और कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। मीडिया और एंटरटेनमेंट का पावर हाउस जी एंटरटेनमेंट अब सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से साथ लाने का वादा कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के 25 साल पूरे होने पर कंपनी ने नई ब्रांड आइडियोलॉजी लॉन्च की है। जी की नई ब्रांड आइडियोलॉजी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर। यहाँ के टैलेंट को अगर हम पूरे विश्व भर में जिस हिसाब से टेलीविजन को लेके गए, अगर उसे भी ले जा पाए तो वो सबसे बड़ा योगदान होगा जी का। अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो समय ही बता सकता है। टेक्नोलॉजी टेलीविजन ये तो अपनी स्पीड से चलते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर का क्या मतलब हो सकता है, ये फिलॉसफी क्या है? मैंने डिकोड करने की कोशिश की, कुछ शब्द आपको बताए थे, विशेष, अद्भुत, अनोखा, अपूर्व, असाधारण। 25 साल पहले जी ने भारत का पहला हिंदी सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था। अब जी ग्रुप के चैनल दुनिया के 173 देशों में देखे जाते हैं। जी ग्रुप के दुनिया भर में 130 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं। अगले 6 साल में जी ने 3 अरब लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा की स्थापना के 50वीं सालगिरह पूरी होने के मौके पर आज हिसार में स्वर्ण जयंती प्रोग्राम समापन समारोह होगा। साल भर चला गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी आज पूरा हो जाएगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। हरियाणा का यह स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। 1 नवंबर 2016 को हमने इसकी 23 वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। 31 अक्टूबर को इस वर्ष के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका समापन ये हिसार में हो रहा है। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा अखिल भारतीय कला साधक संगम भी खत्म हो गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। गीता महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगा। इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जबकि इसमें देश भर के कलाकार हिस्सा लेंगे।